Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapri. So we were discussing the chapter Repro how do organisms reproduce class 10th biology and in this today's session we will be discussing about the last topic that is reproductive health. So the first question which came to our mind is while studying the topic is what do you mean by reproductive health? it is a health is a complete state of social, mental and physical well-being of an individual. तो जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो डब्ल्यू एच ओ कहता है कि इट इज द स्टेट ऑफ सोशल मेंटल फिजिकल बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्शुअल टर्म्स में अगर कोई सोशली मेंटली फिजिकली बिहेवियरली एंड इमोशनली वेल है तो वी से दैट दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब सिमिलरली वॉट इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी तो ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों का फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है

एक प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने जिसको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर कहा गया जो पहले फैमिली बाद में जिसको फैमिली प्लानिंग भी कहा गया तो ये प्रोग्राम क्या है इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्रिएट करना दूसरा है चाइल्ड केयर कि न्यूबॉर्न बेबी की किस तरीके से केयर की जाए क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए प्रेगनेंसी में क्या केयर होनी चाहिए और तीसरा होता है फर्टिलिटी रेगुलेशन का मतलब है गैमिट के फॉर्मेशन फ्यूजन से रिलेटेड एस्पेक्ट में ओके okay. नाउ वी नो दैट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सो नाइन्टी वन में जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था तो उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टर्म यूज़ किया गया था तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है इट इज़ द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन अब रैपिड इंक्रीज़ होने के क्या कारण होते हैं बेटा सीधी सी बात है डेथ रेट में डिक्लाइन होना किसी एरिया में एक साल के अंदर अगर इंडिविजुअल्स की डेथ कम हो रही है तो उससे जो रेट निकलेगा डेथ का वो अपने आप ही कम होगा दूसरा होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है किसी एरिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं एक साल के अंदर कितने बच्चे सरवाइव कर पाते हैं दैट इज कॉल्ड एज नहीं कितने बच्चे मर जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनफेंट मोर्टेलिटी रेट तो अगेन इस रेट में भी डिक्लाइन हुआ है से फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में एक साल में हंड्रेड बच्चे पैदा हुए और एक साल के अंदर दस बच्चे मर गए तो जो यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा वो आ जाएगा टेन परसेंट ओके उनकी डेथ कैसे हो सकती है लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट और बहुत सारे कारण मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से बट क्या हुआ कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी मेडिकल फैसिलिटीज सुधरी हैं तो इस वजह से डेथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हो रहा है थर्ड इज आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है बच्चे को पैदा करते समय या डिलीवरी के टाइम पे कितनी मदर्स एक्सपायर हो जाती हैं दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो ये भी कम हो गया है फिर अब बर्थ रेट में जो डिक्लाइन होना चाहिए जितना एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट का उतना नहीं है बहुत ही कम डिक्लाइन हुआ है बर्थ रेट में सीधी सी बात है बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी एंड एज आई सेड इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड द फाइनल वन इज डिटेक्शन इन क्योर ऑफ एसटीडीज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का डिटेक्शन होना और उनमें से बहुत सारी डिजीज क्योरेबल हैं एक्सेप्ट एड्स की हम बात करें तो इसकी वजह से भी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है लोगों की और लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी सीधी सी बात है पॉपुलेशन भी इंक्रीज करेगी अब आते हैं एस पे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नाम से ही समझिए ये जो ये ऐसी डिजीज होंगी जो किसी इंफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलेंगी तो बेसिकली दीज आर द डिजीज स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं माइंड टेस्ट दीज आर इम्पॉर्टेंट एज फार एज द पेपर इज कंसर्न तो कुछ बैक्टीरियल डिजीज होती हैं सेक्शुअल बैक्टीरियल एस्टिडीज हैं जैसे गोनोरिया है जिसको कॉज करता है निसेरिया गोनोरिया है साइफिलीस को ट्रिपोनोमा पेलीम कॉज करता है तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम है सिमिलरली वायरल डिजीज में यू ऑल नो दैट एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियं सिंड्रोम यू शुड रिमेंबर दैट इट इज द नेम ऑफ डिजीज तो ये बीमारी का नाम है एड्स एंड इट इज कॉज बाय अ वायरस दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनो वायरस एच नाम से ही समझिए इम्यूनो मींस कि ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करके उसको वीक बनाता है ऐसे ही एक दूसरी डिजीज है जो अगेन वायरस से कॉज होती है जो कहलाती है वॉट्स और इट इज कॉज बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दैट इज एच तो अब बात यह है कि अभी अगर हम एड्स को छोड़ देते हैं तो बाकी सारी डिजीजे जो है वो क्योरेबल हैं ओके okay, फिर आते हैं अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए उसके पीछे का लॉजिक यह है कि पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होगी तो देश के रिसोर्सेस का अच्छा यूज होगा लोग अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन को ज्यादा बेहतर कर पाएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि आप प्रेगनेंसी को कंट्रोल कीजिए या गैमेट्स के फ्यूजन को कंट्रोल कीजिए तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव तो कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे तरीके हैं या ऐसे डिवाइस हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं रोकते हैं या फिर गैमेट्स के फ्यूजन को रोकने का काम करते हैं दे बेसिकली प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन तो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहेंगे एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज दैट विच इज यूजर फ्रेंडली जो हर किसी के समझ में आ जाए इजीली अवेलेबल हो चीप हो बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए रिवर्सिबल मतलब आपने जिस समय आप चाहते हैं कि गैमेट का फ्यूजन नहीं हो आपने यूज किया और बाद में आप चाहते हैं कि बेबी हो तो उसके लिए गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी है तो उस समय आप इसको रिवर्स कर सके कि आप इसका मतलब कोई ऐसा इफेक्ट ना हो जो परमानेंट हो एंड इट डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव किसी भी तरीके से ये सेक्सुअल ड्राइव को इन्फेक्ट या इफेक्ट ना करे इनफेक्ट इज नॉट द राइट टर्म आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे हमें बेसिकली पे तीन कॉन्ट्रासेप्टिव समझने हैं वन इज बैरियर मेथड्स

तो इसमें सबसे कॉमन बैरियर जो है दैट इज वेरी कॉमन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डम्स तो ये थिन रबड़ के बैरियर बने होते हैं तो बेसिकली मेल का जो जेनिटेलिया है पेनिस या फिर फीमेल में वेजाइना को कवर करते हैं तो अगर एक बैरियर आ गया तो सीधी सी बात है कि स्पर्म का जो रिलीज होगा वो वेजाइना में नहीं होगा और वेजाइना में नहीं होगा तो दैट विल प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ गैमेट प्लस इसके पॉपुलर होने का एक और रीजन ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है जैसे कॉन्डम्स टर्म जो है वो मेल के लिए बहुत पॉपुलर है तो ऐसे ही फीमेल्स में डाइफ्रम भी यूज किया जाता है तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइफ्रम अगेन रबड़ की शीट है जिनके मार्जिन में मेटल की रिंग बनी होती है और ये वेजाइना के इनसाइड फिट करते हैं तो अगेन अगर स्पोम डिस्चार्ज भी होता है तो वेजाइना से अंदर नहीं मूव करेगा फिर आते हैं इंट्रा यूट्रस डिवाइजेस तो नाम से समझिए ये वो डिवाइस है जिसको फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो वेरी कॉमन इंट्रा यूटरस डिवाइस कॉपर टी तो बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है इसका कॉपर्टी वैसे कॉपर आई कहते हैं अब कॉपर्टी क्या है इसको ना बेटा यूटरस में इंसर्ट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आई विल है फीमेल रिपोर्टक्टिव ऑर्गन तो ये यूट्रस है इस पोर्शन में आपने कॉपर्टी को इंसर्ट कर दिया फीमेल में अब ये क्या करता है कि स्लोली स्लोली कॉपर आयन रिलीज करता है अब ये कॉपर आयन क्या है कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर होता भी है स्पर्म so जो वेजाइना से अंदर जाएंगे तो यूट्रस में ही ये कॉपर आयन क्या करेंगे sperm को किल कर देंगे और अगर किल नहीं करते हैं तो उनकी जो मोटिलिटी है जो मूवमेंट है स्पर्म का उसको कम कर देंगे तो इस वजह से क्या होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा सो मूविंग फॉरवर्ड जो अगला कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट इज सर्जिकल मेथड तो एज द नेम सजेस्ट दिस इंक्लूड सर्जरी इन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स तो so, मेल में इस प्रोसेस को वेसेक्टॉमी कहा जाता है और फीमेल में इस प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है थोड़ा समझते हैं इसको विद द द द हेल्प ऑफ डायग्राम दिस दिस इज इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल वन तो एक तरीका ये भी है बेटा वी नो दैट द स्पर्म इज प्रोड्यूस इन टेस्टिस अगर आप किसी प्रकार से इस स्पर्म को इस यूरेद्रा तक पहुंचने से रोक देते हैं वी ऑल नो दैट स्पर्म इज कैरीड टू द पेनिस बाय सर्टेन ट्यूब्स और डक्ट्स तो अगर एक मेथड ये है कि जो वास डिफेंस ट्यूब होती है वास वाजिफेंस को सर्जरी के थ्रू कट करके अगर टाई कर देते हैं देखिए पे बात दिया तो इसके पीछे लॉजिक ये होगा कि जो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा वो स्पर्म से आगे नहीं जाएगा तो मेल में से स्पर्म का डिस्चार्ज नहीं होगा तो दैट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ये एक प्रकार का परमानेंट तरीका है रिवर्सिबल तो है परमानेंट मतलब जस्ट अ सर्जरी एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स इसमें स्पर्म रिलीज नहीं होगा सिमिलरली अब यहाँ पे वास डिफरेंस को कट करते हैं तो इसलिए इसको वेसेक्टॉमी कहते हैं सिमिलरली फीमेल में फेलोफियन ट्यूब को कट किया जाता है तो इसलिए इसको कहते हैं ट्यूब को कट किया दैट्स यू सी दैट हियर द कियाफियन ट्यूब इज कट एंड टाइट अब इसके पीछे का फंडा क्या है जब ओवम यहाँ से रिलीज होगा तो ओवम यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा ना ही स्पर्म अंदर मूव कर पाएगा दैट विल प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सो दिस इज द सर्जिकल मेथड इट इज रिवर्सिबल इन नेचर मतलब इफ अ कपल वांट चाइल्ड फॉर फ्यू इयर्स तो वो सर्जिकल मेथड से ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कर सकते हैं हिंदी में इसके लिए कॉमन टर्म है जिसे नसबंदी कहा जाता है और जब व्हेन दे डिजायर टू हैव अ चाइल्ड तो इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है तो दैट इज द फीमेल और अब आते हैं अगला मेथड जो बहुत कॉमन मेथड है जिसको कहते हैं ओरल पिल्स तो इसमें रेगुलरली ओरल टेबलेट्स ली जाती हैं एंड दैट इज टेकन बाय द फीमेल तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोजेस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन हार्मो का कॉम्बिनेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होगा ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम और इम्प्लेंटेशन यू ऑल नो दैट कि अटैचमेंट ऑफ ऑफर टू द वॉल ऑफ यूट्रस ये दोनों ही प्रोसेस नहीं होंगी तो सीधी सी बात है बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी इसके अलावा सर्विक्स वाले पोर्शन को ये हॉस्टाइल बना देता है फॉर द एंट्री ऑफ स्पोम मतलब जो सर्विक्स होता है उसमें से सर्विक्स स्पर्म को अलाउ ही नहीं करेगा यहाँ से पास करने से स्पर्म यहाँ से आया तो सर्विक्स इसको अलाउ ही नहीं करेगा अंदर की तरफ को जाने में तो सीधी सी बात है देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड अल्टीमेटली देर विल बी नो प्रेगनेंसी इसका एक एग्जाम्पल एक है सहेली और अच्छी बात यह है कि इनके साइड इफेक्ट्स कम है अब एक पिल जो हम एड्स में काफ़ी सुनते हैं जो है अनवॉन्टेड सेवेंटी टू तो ये इमरजेंसी पिल्स होती हैं बेटा इमरजेंसी पिल्स का मतलब है से फॉर एग्जाम्पल किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और उसके बाद 72 टू आवर्स के अंदर भी अगर वो चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो तो उनके लिए ये पिल्स ली जाती हैं जैसे अनवांटेड 72 टू मीन्स जो इसमें 72 टू टर्म है उसका मतलब ये होता है कि क्वाइटस या फिर सेक्शुअल इंटरकोर्स के 72 टू आवर्स के बाद भी यू कैन प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और इम्प्लेंटेशन को रोक सकते हो दिज आर एमरजेंसी ओके सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज अब एमियोसेंटेसिस एक कॉमन टेक्निक है जिसके थ्रू किसी प्रेग्नेंट लेडी में जो बेबी ग्रो कर रहा है उसके सेक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ये डेफिनेशन थोड़ी हाईफाई टाइप की है तो इफ आई सी इफ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे ये यूट्रस है और यूटरस में आपका प्लेसेंटा यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और यहाँ बेबी ग्रो कर रहा है तो एक टेक्निक है जिसके थ्रू बेबी के सेक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो ये एमनियोसेंटेसिस का बेसिक यूज़ तो ये है बेटा कि बेबी में कोई डिजीज़ है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है इसका पता लगाया जाता है बट इसको मिस किया जाता है टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ बेबी और इन मेजर केसेस यही अगर जो बेबी का सेक्स होता है ड्यू टू देंटेलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड तो कपल क्या करते हैं एबॉर्ट कर देते हैं एंड दिस अबॉर्शन इज कॉल्ड एज फीमेल फिटिसाइड फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कि फीमेल को फीटेस स्टेज में ही किल कर देना अभी ये क्या है मदर के अंदर है नाइन मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो अनबॉर्न कंडीशन में ही किल कर देना दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फिटिसाइड अब ये इलीगल है और इसका सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इसकी वजह से सेक्स रेशियो कम होता है दैट इज एम एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे तो दिस कंप्लीट्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट इन केस ऑफ एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो थैंक यू